दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हार्दिक ने जीत लिया है टॉस, बल्लेबाजी करते हुए कप्तान पांड्या के साथ ऋतुराज और शिवम दुबे ने मचाई ऐसी तबाही, थर थर कांप उठी अफगानिस्तानी टीम। तो आखिरकार कैसे भारत की बी टीम खड़ी है अफगानिस्तान को रौंदने के मुहाने पर, कहां खेला जा रहा है ये रोमांचक मुकाबला, T20 मैच कितने बजे से हुआ शुरू, इसकी शुरुआत किस प्लेइंग 11 के साथ उतरी है भारतीय टीम, इस मुकाबले में जुड़ी एक एक लाइव अपडेट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान है, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग के रोमांचक सफर के बाद भारतीय टीम का प्राइम लक्ष्य वर्ल्ड कप का सफर शुरू हो चुका है। टीम इंडिया का आखिरी मुकाम वर्ल्ड कप है और उसे हासिल करने के लिए भारतीय टीम हर एक कदम फूंक फूंक कर रखने वाली है। फिलहाल तो टीम इंडिया इंग्लैंड में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चुनौती के लिए तैयार हो रही है और किसी भी कीमत पर वो ट्रॉफी हिंदुस्तान लाना चाहते हैं। 24 घंटों से भी कम के अंतराल में टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा घमासान शुरू होने वाला है। उसके बाद एक बार फिर से 2023 में विश्व कप की तैयारियों को पुख्ता करने के इरादे से भारतीय टीम वनडे और T20 फॉर्मेट में वापसी करती हुई नजर आने वाली है। आपको बता दें हाल ही में IPL 2023 खेला गया जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने बादशाहत कायम करी तो हार्दिक पांड्या की पलटन को फाइनल में करारी हार का सामना करना पड़ा। इस टूर्नामेंट में कई भारतीय युवा खिलाड़ियों ने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया जिसने उनके लिए भारतीय टीम में एंट्री के द्वार भी खोल दिए, लेकिन अचानक से किसी भी बड़े टूर्नामेंट में इन्हें मौका नहीं दिया जा सकता। ऐसे में BCCI ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की बेहद ही खतरनाक T20 कराने का फैसला किया जो विश्व कप की तैयारियों को पुख्ता करने के इरादे से महत्वपूर्ण है क्योंकि अफगानिस्तान वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर चुकी है जिनका सामना इंडिया से होने वाला है। ऐसे में मेहमानों को धूल चटाने के लिए उनके पैतरों का पता होना बहुत जरूरी है। ऐसे में BCCI कोई भी कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान के बीच होने वाली सीरीज का पूरा स्केड्यूल जारी किया जा चुका है जिसका पहला मैच यानी कि आज 6 जून को वानखेड़े स्टेडियम में होने जा रहा है जिसकी शुरुआत शाम 7 बजे से होने वाली है। इसके अलावा दूसरा T20 मैच हमें 9 जून को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में देखने को मिलेगा। तो फिर यह कारवा पहुंचेगा आखिरी और सबसे अहम T20 मुकाबले के लिए भारत की राजधानी दिल्ली, जहां हमें तीसरा T20 मैच 11 मई को देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं पहले मुकाबले की। तो वनडे भारतीय टीम का गढ़ माना जाता है जहां विरोधी टीमों का जीत हासिल कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। वहीं टीम इंडिया के बड़े बड़े सितारे सीरीज में करतब दिखाने के लिए बेकरार होंगे क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। ऐसे में सुनहरे मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारकर भारतीय टीम में जगह बनाने का अवसर सभी युवा खिलाड़ियों के पास है जिसे मिस करना कोई भी नहीं चाहेगा। जी हां दोस्तों आपको बता दें सीरीज का लुत्फ आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से स्टार स्पोर्ट्स के माध्यम से उठा सकते हैं। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट के राइट अभी जियो सिनेमा के पास नहीं है, ऐसे में दोबारा आपको Disney+ Hotstar में वापसी करनी पड़ेगी और उसका सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा जो फैंस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो वहीं दोस्तों अफगानिस्तान भी वर्ल्ड कप की तैयारियों को पुख्ता करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उनकी टीम में कई बड़े बड़े बदलाव हुए हैं तो वहीं इतना बड़ा टूर्नामेंट आते आते उन्होंने अपने स्टार खिलाड़ियों की टीम में वापसी कराई है। जी हां दोस्तों आपको बता दें विराट कोहली के साथ भयंकर विवाद में उलझने वाले नवीन उल हक की अफगानिस्तान की टीम में वापसी हो चुकी है जिनका सिलेक्शन लगभग ना के बराबर ही संभव था। तो वहीं अफगानिस्तान की कमान राशिद खान के कंधों पर सौंपी गई है जो उनके सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। वहीं मोहम्मद नबी भी भारतीय परिस्थितियों में अपने तेवर भारतीय टीम को दिखाना चाहेंगे। तो दोस्तों वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं टीम इंडिया की। तो एक बार फिर से हम भारत की T20 क्वालिटी कमान हार्दिक पांड्या के कंधों पर है जो लंबे समय बाद टीम इंडिया की जर्सी में हमें नजर आने वाले हैं। ऐसे में भारतीय टीम में वापसी के लिए उनके शानदार परफॉर्मेंस बेहद जरूरी है। उनका साथ निभाने के लिए BCCI ने युवा खिलाड़ियों का ऐसा दल तैयार किया जिसका हर एक खिलाड़ी भारतीय टीम में अपना स्थान पक्का करने के लिए तड़प रहा है। जी हां दोस्तों आपको बता दें बल्लेबाजी क्रम में जहां ऋतुराज गायकवाड़ के साथ वेंकटेश अय्यर और पृथ्वी शॉ को मौका दिया गया है तो मध्य क्रम में IPL के सितारे रिंकू सिंह के साथ जितेश शर्मा, छक्कों के सरदार शिवम दुबे हार्दिक के सबसे बड़े हथियार हैं, ये सभी इस मिले मौके को भुनाने के लिए बेकरार रहेंगे। तो वहीं गेंदबाजी क्रम में अर्शदीप और भुवनेश्वर के कंधों पर तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी रहने वाली है। वहीं उनका साथ निभाने के लिए उमरान मलिक के साथ आवेश खान और मोहसिन खान को टीम इंडिया में मौका दिया जा सकता है। दोस्तों स्पिन डिपार्टमेंट की कमान युजवेंद्र चहल के कंधों पर रहने वाली है जिनका साथ निभाते हुए हमें कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की जोड़ी नजर आ सकती है। जी हां दोस्तों युवा सितारों से सजी टीम इंडिया बेहद मजबूत नजर आ रही है लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान को कम आंकना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। ऐसे में हमें कांटे के मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या T20 सीरीज में भारतीय टीम को जीत दिला पाएंगे या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।